हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, कोस इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 -x², लेकिन कोस इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो इसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए आज हम बाई पार्ट्स मेथड से निकालना सीखेंगे। इसको सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसे हमें ये 2 फंक्शन दे देगा। फिर हम प्रोडक्ट रूल मतलब बाई पार्ट्स जो होता है f(x) g(x) के इंटीग्रेशन, ये बराबर होगा f(x) फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस प्रोडक्ट ऑफ, जिसमें आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो यहां पर हमारे पास आएगा i, i इसको मैं डिनोट कर लेता हूं। फर्स्ट फंक्शन कोस इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रल आएगी 1 की माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कोस इनवर्स एक्स है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इसके बाद इसका प्रोडक्ट। तो अब कोस इनवर्स एक्स इसकी 1 की इंटीग्रेशन आएगी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन होती है -1 ओवर रूट के साथ 1 -x² इंटू एक्स, और ये dx ऐसे आ गया। अब हम माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 -x² और ऊपर x है, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम? या तो इस क्वेश्चन को अलग कर ले या फिर यही भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 -x² जो है इसको मैं न्यूमिरेटर में लिख सकता हूं ऐसे, कोस इनवर्स एक्स प्लस 1 -x² पावर -½ इंटू एक्स डीएक्स। अब हम इसकी डेरिवेटिव देखेंगे 1 -x² की, जो होती है -2x। तो मैं यहां पर -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और हाफ से डिवाइड कर देता हूं, और ये माइनस यहां पर एडजस्ट कर लेता हूं। उसके बाद इसकी डेरिवेटिव अगर हमें यहां मिलती है तो ये पावर इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास एक फॉर्मूला है f(x) की पावर अगर n हो और साथ में मल्टीप्लाइड हो f(x) की डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करते हैं यहां पर पावर को इंक्रीज कर लेते हैं एक, और नई पावर से डिवाइड कर लेते हैं, और ये f(x) खत्म हो जाता है। तो यही फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव यहां पर हमारे पास मिल रही है, तो ये खत्म हो जाएगा, हम -½ की पावर 1 इंक्रीज कर देंगे और नई पावर से डिवाइड कर देंगे। ये मैंने यहां लिख दिया है -½ बाहर। अब इसकी पावर 1 इंक्रीज करेंगे, -1 -x² पावर इंक्रीज कर देंगे -1/2 +1 ओवर -1 + 1 +c। अब इसको ठीक ढंग से एडजस्ट करके लिख लेते हैं, एक्स कोस इनवर्स एक्स। अब यहां से 1/2 आएगा और ये टू खत्म हो जाएगा, तो माइनस, और यहां से 1 -x² अंडर रूट +c, और यही हमारा आंसर आ गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान पे भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।